भोपाल के दवा व्यापारी संघ ने सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में दवा व्यापारी संघ ने मांग की है कि हमीदिया रोड पर जेके भवन में जो दवाई की दुकानें हैं उन दुकानों को वहीं रहने दिया जाए, क्योंकि जेके बिल्डिंग ने अपनी दुकान किसी और को बेच दी है। दवा व्यापारियों का कहना है कि वह पूरी कीमत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें हटाया न जाए। सांसद ने ज्ञापन लेकर उन्हें जेके ग्रुप से बात करने का आश्वासन दिया है। हमारा जो व्यावसायिक भवन है उसमें 144 टेनेंट हैं हम लोग, और यह बिल्डिंग हमें पता चला है कि जेके वालों ने किसी को बेच दी है, उसका एग्रीमेंट किया है अभी। और हम लोग दीदी से यही रिक्वेस्ट करने आए थे कि चूंकि हम 40-50 साल से यहाँ हैं और हम लोगों ने जेके वालों से भी बहुत रिक्वेस्ट की, तो हमें लग रहा था कि हमारा कोई एक मुखिया होना चाहिए जो इस बात को प्रॉपरली तरीके से जेके वालों से या जिन्होंने परचेज की है उनसे बात करके हमारी इन समस्याओं का निराकरण करे। तो हमें दीदी से अच्छा कोई दिखाई नहीं, और हमारी सांसद हैं भोपाल की, और उन्होंने जिस तरीके से हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने इतना तक बोल दिया है कि मैं व्यापारियों के साथ हूँ, मैं किसी भी व्यापारी को बेघर नहीं होने दूंगी।